हेलो गाइस दोस्तों, आज इस साइट के ऊपर जो है आपको मैं ये बताऊंगा कि जब पीसीसी आपकी हो जाती है तो पीसीसी होने के बाद में हमें नेक्स्ट जो प्रोसेस है या अगला जो स्टेप है हमें क्या लेना होता है दोस्तों। उसके बाद में हमें पीसीसी के ऊपर कॉलम लेआउट जो होता है, जो लास्ट वीडियो जो है मैंने बनाया था उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ, वहाँ पर आपको पूरा पता चलेगा कि आपका लेआउट होने के बाद में पीसीसी वगैरह होने के बाद में हमें लेआउट किस तरह से किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस रहता है। और आज इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बताऊंगा, जब आपने लेआउट प्लेस आपका हो चुका है, लेआउट जब आपने कर चुके हो, लेआउट करने के बाद में उसके ऊपर जब स्टील का पूरा जाल वगैरह जो है फाउंडेशन का आपका जाल पूरा बन चुका है, कॉलम पूरे खड़े हो चुके हैं, और उसके बाद में जब कॉन्क्रीटिंग होती है तो उस कॉन्क्रीटिंग में कौन से ग्रेड हमें काम लेनी होती है, आपके जाल के ऊपर जो है स्पेसर वगैरह किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कवर ब्लॉक वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, वो सब डिटेल आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दिए। थैंक यू। तो गाइस, आपको यह दिख रहा होगा कि नीचे जो है पूरा आपके जो राफ्ट है हमारी या कॉलम के जो फाउंडेशन है, उन कॉलम के फाउंडेशन के ऊपर जो है स्टील एनफोर्समेंट का पूरा काम हो चुका है यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे। और अभी जो है वो शटरिंग लगाई जा रही है यहाँ पे। अब गाइस, ये जो शटरिंग है वो शटरिंग आप इसमें प्लाई के लगा सकते हो, अपने पास में आप लेट की यूज़ कर सकते हो, या फिर जो है फंटास आप इसमें यूज़ कर सकते हो। गाइस, ये देखते हैं पूरी साइट के ऊपर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि अभी पूरा जो ऑलमोस्ट जो है पूरी फाउंडेशन जो है फुटिंग के, वो सारे फाउंडेशन जो फुटिंग के पूरे बन चुके हैं। साइट के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि पूरे जो जाल वगैरह है नीचे, वो पूरे जाल वगैरह। अब गाइस, इसमें जाल की जो स्पेसिंग हमें क्या रखनी होती है, क्या चीज़ें जो है हमें इसमें ध्यान रखनी है, फाउंडेशन के जो है कास्टिंग से पहले फाउंडेशन को, जैसे देखेंगे आपके सामने एक फाउंडेशन जो है फुटिंग, वो भी यहाँ पे कास्टिंग पे चल रही है। अब इस कास्टिंग के अंदर जो है क्या सीमेंट के जो ग्रेड है वो हमने काम में ली हुई है, वो जो ग्रेड है गाइस वो हमने N25 जो है M25 ग्रेड हमने यूज़ किया हुआ है, जिसका जो रेशो अगर मैं बात करूँ तो 1:1:2 का जो रेशो होता है सीमेंट सैंड और कॉन्क्रीट का जो रेशो है वो 1:1:2 का इसका रेशो हमने यूज़ किया हुआ। तो गाइस, ये जो कॉलम है, इस कॉलम का लेआउट पूरा होने के बाद में यहाँ पे हमने जो है आपके स्टील जो फाउंडेशन है उसका वर्क स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर आप देखने को आपको मिल रहा होगा कि जो कॉलम की फुटिंग है, उस फुटिंग के जो जाल हैं बॉटम का और टॉप का, दोनों का जाल आपको देखने को मिलेगा। नीचे जो फाउंडेशन के अंदर बॉटम में जो जाल हमने यूज़ किया हुआ है, ये जो जाल है इसकी स्पेसिंग जो है 5 inches हमने रखी हुई है, और टॉप का जो जाल है इसकी स्पेसिंग 6 inches हमने रखी हुई है बार टू बार। और इसका जो हाइट है गाइज वो आपका आफ्टर कॉन्क्रीटिंग के बाद में 18 inches का हाइट हमने रखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें कवर ब्लॉक मतलब कवर जो है क्राफ्ट के ऊपर जो है फाउंडेशन पे जो कवर आना चाहिए, उस कवर को लेस करने के बाद में हमने इसको 15 inches इसको रखा हुआ है। और टॉप जाल को सपोर्ट देने के लिए हमने यहाँ पे इसमें चेयर्स बनाई हुई है। तो ये जो चेयर है गाइज, ये भी आपकी 10 mm की चेयर्स आपको देखने को मिलेगी। गाइज, नॉर्मल भाषा के अंदर अगर बात करूँ तो इन चेयर्स को जो है घोड़ी बोला जाता है देसी भाषा के अंदर। और ये पूरी चेयर्स इसके अंदर देखोगे, अलग अलग जो चेयर्स हमने यूज़ की हुई, इन चेयर्स का भी एक पैरामीटर होता है, ये आपके जो 1.5 meter से लेके 1 meter तक इनकी चेयर की स्पेसिंग होनी चाहिए। गाइज, नीचे जो है कॉलम के पूरे फाउंडेशन को बनाने के बाद में यहाँ पे पूरा मार्किंग किया हुआ है, मार्किंग के अकॉर्डिंग ही कॉलम आपको यहाँ पे खड़ा हुआ दिखेगा आपको। तो कॉलम की जो प्लेसिंग है वो एज पर लेआउट बिल्कुल ठीक है, सेंटर लाइन हमने चेक कर लिया, सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग पूरा कॉलम किया हुआ है। और कॉलम के अंदर अगर आप स्टील की बात करोगे तो गाइज, इसके अंदर भी नीचे जो फाउंडेशन लेवल के ऊपर है मतलब कॉलम की जो हाइट है, उस हाइट को हमने 4 parts में डिवाइड किया हुआ है। 1:4 parts के अंदर आपको स्पेसिंग आपको 4 inches का देखने को मिलेगा, 1:2 parts के अंदर आपको यहाँ पे 8 inches देखने को मिलेगा, और 1:4 अगेन जो पार्ट है उसके अंदर भी आपको 4 inches का स्पेस यहाँ देखने को मिलेगा। रिंग के अंदर गाइज, यहाँ पे जो कॉलम है उस कॉलम के अंदर 10 जो सरिये हैं मतलब 10 bars जो हमने यूज़ किए हुए हैं। साइज जो है कॉलम का है 9x18 inches का साइज है, और इसके अंदर जो रिंग है एक मास्टर रिंग हो गया, इसके अलावा जो है एक मिड साइज का जो रिंग है वो यूज़ किया हुआ है, इसके अलावा जो एक इंटरलॉक भी हमने इस पर यूज़ किया हुआ है। तो इस 3 rings को यूज़ करके हमने इस पूरी कॉलम की जो रिंग का प्लेसमेंट है हमने इसमें किया हुआ है। तो दोस्तों, आपको अगर ये कंटेंट और ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।